वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स। फिर छात्रों, आज की इस वीडियो में हम सातवीं से आठवीं क्लास की जेनेरिक कार्य पत्रक संख्या 21 G21 जो कि 30 जुलाई के लिए है, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले आपने जेनेरिक कार्य पत्रक की 20 तक की वर्कशीट्स को सॉल्व किया है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर छठी से आठवीं क्लास की जो DEO की वर्कशीट है वहाँ आपको मिल जाएंगी। नहीं तो इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 20, 19 और भी जो इससे रिलेटेड हैं 4-5 दे दूँगा, ताकि आप उनको करके आपको एक आइडिया लग सके कि इस वर्कशीट को कैसे करना है और बहुत सारा आपको ज्ञान की बातें, नॉलेज की बातें पता चलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। सावन के महीने के आगमन से भारतवर्ष में त्योहारों का तांता लग जाता है, चाहे वह हमारे लोक पर्व हों या राष्ट्रीय पर्व। साहिल तीज के अवसर पर बहुत उत्साहित होता है, क्योंकि दोस्तों के साथ साथ पतंग उड़ाना उसे बहुत पसंद है। वह अपने दादाजी के साथ रंग बिरंगी पतंगें लाता है तथा पतंगों को लेकर उधेड़ बुन में लगा रहता है। आओ हम दिए गए चित्र में रंग भरें और पतंग उड़ाने के संदर्भ में जानकारी को भी साझा करें। तो यहाँ बताया गया है कि भारत में कैसे सावन का महीना आते ही त्यौहारों का पता लग जाता है। कई सारे त्यौहार, रक्षाबंधन है, तीज है और राष्ट्रीय पर्व जैसे 15 अगस्त है, फिर 2 अक्टूबर गांधी जयंती है और धीरे धीरे फिर आपको दशहरा आ जाएगा और भी कई सारे त्यौहार आने लगते हैं। तो ये यहीं से शुरू होता है। तो कैसे साहिल एक लड़का है, वो उत्साहित हो जाता है, तीज के अवसर पर पतंग ले आता है, उन्हीं के रंग बिरंगी पतंग लाता है और उड़ाता है, उसी उधेड़ बुन में पड़ा। अब आपको क्या करना है, चित्र में रंग भरना है। जैसे ये दिया गया है, ये पतंग दी गई थी, यहाँ आपको क्या करना है, इनको कलर करना है। अब एक एक्टिविटी आपके लिए दी गई है स्टूडेंट्स कि अपनी पसंद की पतंग का चित्र बनाइए। तो आपको जैसी भी पतंग पसंद है, आपने बहुत सारी पतंगें देखी होंगी, हर बच्चा देखा सातवीं से आठवीं तक की, और आपकी किताबों में भी पतंग के बहुत सारे चित्र होंगे, तो आप उनमें से एक कोई पतंग का चित्र बनाइए और बना के उसमें आप कलर भी करिए। जैसे देखिए ये पतंग कलर की गई है, या ये वाली की गई है, ऐसे करना है। अब प्रश्नों की तरफ आते हैं। दिल्ली में पतंग किस अवसर पर उड़ाई जाती है, तो 15 अगस्त, जैसे अगस्त का महीना शुरू होने वाला है, 15 अगस्त को चूँकि गणतंत्र दिवस है, इसके आसपास का जो अगस्त महीना होता है उसमें तीज है और 15 अगस्त इसमें खूब पतंग दिल्ली में उड़ाई जाती है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस अवसर पर पतंग उड़ाई जाती है, उनका नाम लिखना है। जैसे राजस्थान में जो होता है, राजस्थान, गुजरात, इन सब में क्या होता है, जो मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति उन्हीं अवसर पर उड़ाया जाता है। केरल में उत्तरायण करके होता है, ये भी मकर संक्रांति के आसपास का अवसर होता है। तब हरियाणा में लोहड़ी के अवसर पर पतंगबाजी होती है। और बाकी आज के ज़माने में तो कभी भी लोग पतंग उड़ाते हैं, खूब उड़ाते हैं जहाँ मिल जाए, लेकिन कुछ अवसरों पर विशेष रूप से होती है, यहाँ पर उनका जिक्र किया गया है। अब देखिए प्रश्न 3 और 4 पतंग से रिलेटेड हैं बच्चों। पहले यहाँ पतंग 2 में कितने त्रिभुज हैं, तो ये 2 नंबर की पतंग है, यहाँ पे आपको एक पतंग दिख रही है, इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज देखिए 1, 2, 3, 4 हो गया, 4 हो गया ना। अब और इनको देखते हैं, 4 के अलावा कितने हो गए, 1 ये हो गया 5, 1 ये हो गया 6 हो गया। अब देखिए 1 ऐसे ऐसे 7, 1 ऐसे ऐसे 8, तो 8 त्रिभुज कितने हैं, अब पतंग 1 पर चलते हैं, में कितने वर्ग हैं। अब देखिए पतंग 1 यहाँ है, अब ये कह रहा है इसमें कितने वर्ग हैं। बच्चों का ध्यान से देखा जाए तो ये पतंग वर्गाकार है ही नहीं। आपको देखेंगे ये वाली जो उसकी भुजा है ये लंबी है और ये वाली कुछ छोटी लग रही है, और ऐसे ही अगर और बड़ा करें
ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये वाली छोटी भुजा, ये लंबी भुजाएं हैं, तो इसमें वर्ग दिख ही नहीं रहा है। लेकिन फिर भी तो इस प्रकार से यहाँ पे एक भी वर्ग नहीं है। और लेकिन अगर हम अपने हिसाब से देखें तो जो हमें वर्ग दिखता है वो ये वाली जो लाइन है, इसमें हमें ये वाले जो हैं ये लगभग लगभग बराबर बराबर दिख रहे हैं, इसलिए हम मान सकते हैं कि ये जो पाँच हैं ये वर्ग हैं। और अगर ये मान लें कि ये सारे वर्ग हैं तो फिर आप पूरा काउंट करिए, बहुत सारे वर्ग हो जाएंगे। पाँच एक में है तो पाँच का पाँच से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 25 वर्ग ये हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए, चार वर्ग मिलके एक वर्ग बनाएंगे, ये इसका वर्ग बनाएगा दो, फिर ऐसे इधर यानी चार यहाँ आठ हो जाएंगे, फिर ऐसे ही चार ये और चार इधर आठ, तो आठ आठ 16 यानी 25 हो जाएंगे, फिर 16 हो जाएंगे, 25 16। अब फिर देखिएगा, अब एक ऐसे ये इतना बड़ा वर्ग बन जाएगा, एक हो जाएगा, एक ये ऐसे वर्ग बन जाएगा, एक ये ऐसे वर्ग बन जाएगा, एक ऐसे, मतलब फिर ऐसे बहुत सारे वर्ग बन जाएंगे। लेकिन जहाँ तक हमें आशा है ये गलत है, ये आयताकार है, तो आप यहाँ पे आपके लिए उत्तर यही रहेगा कि इसमें कोई भी, क्योंकि यहाँ पे निश्चित रूप से नहीं कहा गया है कि ये वर्ग ही है, तो आप लिख सकते हैं कोई नहीं, क्योंकि आपको कोई वर्ग इसमें दिख ही नहीं रहा। अब पतंग उड़ाते से संबंधित आप भी अपने अनुभवों के बारे में लिखिए। छात्रों, अगर आप पतंग उड़ाते हैं तो लिखिए कि आपने पहली बार पतंग कब उड़ाई, कहाँ पे उड़ाई, किस अवसर पर उड़ाई, आपको पतंग उड़ाने में कितना मज़ा आया, पतंग की जो मज्जा होती है उसको कैसे हैंडल करते हैं, और पतंग अपने दोस्तों के साथ उड़ाने में, पतंग काटने में आपके क्या अनुभव रहे, ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। साहिल एक कविता लिखा है, पतंग हमारी उड़ती जाती आसमान में दौड़ लगाती, कभी ढील दो कभी खींच लो, कट जाने पर हाथ ना आती। तो कभी क्या किया, चार लाइन की एक पतंग पे कविता साहिल ने लिखी है, आप भी एक कविता लिखिए। आपके मन में जो भी आ रहा पतंग पे लेके वैसे आप लिख सकते हैं। हमें पतंग उड़ाते हुए क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए ये मैं बताते रहा हूँ। पहली बात, पतंग की जो मज्जा होती है वो बहुत धारदार होती है, तो जब भी आप उड़ाएँ तो अपने हाथों को, उंगलियों को उड़ाते समय हाथ और उंगली को बचा के, उंगली बचा के। दूसरा, गली में या कहीं भी आते जाते ध्यान दें कहीं पतंग की जो मज्जा है वो आपके किसी अंग पे या गले में ना फंस जाए, नहीं तो काट देती है, कई बार लोगों की मृत्यु हो जाती है। और इसके साथ साथ उड़ाते समय ये भी देखें कि पतंग की मज्जा आपके पैर में या शरीर में कहीं बजे ना, जिससे और भी आपको दिक्कत ना हो। तो ये तीन चार चीज़ें ऐसी होती हैं जो पतंग उड़ाते समय हमें ध्यान में रखनी होती है। स्टूडेंट्स, आपकी ये वर्कशीट बहुत आसान थी, इसमें कोई आपका टॉपिक का नहीं था, बस ऐसे सामान्य जनरल नॉलेज की भी चीज़ें थी, सामान्य थी जो आपके इंटरेस्टिंग की थी। तो आप भी पतंग उड़ाइए, पतंग से रिलेटेड जो भी आपके अनुभव है उसे लिख के अपने कक्षा अध्यापक के साथ साझा करिए। धन्यवाद।